नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। हमारे खास पेशकश में बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हुए हैं, इनमें से 5 राजस्थान के सपूत हैं। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। मोदी सरकार ने अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की दिशा में काम शुरू करने की बात कही है। झांसी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों को सारे फैसले लेने के लिए इजाजत दे दी गई है। राष्ट्र इस घटना के बाद पूरा आक्रोशित है। पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है और आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई में हम कामयाब जरूर होंगे। इधर सरकार ने कड़ा रुख दिखाते हुए पाकिस्तान से भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है। वहीं कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि हमला बहुत दुखद है और पूरा विपक्ष जवानों और सरकार के साथ खड़ा है। तो आज की इस बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कुछ बयान सुनते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर का आतंकवादी हमला भारत की आजादी पर एक बहुत बड़ा दुस्साहस, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को तोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रहार है। आतंकवादी चाहे वो देश के अंदर पनाह लिए हुए, चाहे वो देश की सीमाओं से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, एक भी आतंकवादी वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। और खास करके हाफिज सईद उन सब परिवारों के साथ है, उनके परिजनों के साथ है। गुस्सा सबके अंदर है, मेरे अंदर भी, लेकिन गुस्से के अंदर कोई चीज हड़बड़ाहट में नहीं की जाती, हर चीज को सोच समझकर ठंडे दिमाग से किया जाता है। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे देश के नेतृत्व पर कि वो हर चीज को सोच समझकर सही समय पर सही जगह पर इसका जवाब देंगे। देखिए, मैंने कहा कि आतंकवाद देश को
बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी तो बड़ी बहस की हम शुरुआत करें उससे पहले इंडिया न्यूज के कुछ सवाल देख लेते हैं। पूरे देश भर में इस आतंकी वारदात के खिलाफ गुस्सा है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि जवानों की शहादत का आखिरकार बदला कब लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस होगी और साथ ही साथ हम बता दें कि आखिरकार कब आतंकवाद रुकेगा, कब मिलेगा पाकिस्तान को करारा जवाब, आतंकवाद का खात्मा कब होगा। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त देशवासियों के जहन में हैं, आज की हमारी इस बड़ी बहस का हिस्सा हैं। इन तमाम सवालों जवाबों के इर्द गिर्द आज की हमारी बड़ी बहस केंद्रित होगी। तो पूरे देश भर में इस बात का गुस्सा है कि आखिर ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है इसका जवाब कब दिया जाएगा। सरकार ने यह साफ कर दिया हालांकि कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी सेना को भी साफ कहा गया है कि उनके हाथ पूरी तरह से खुले हुए हैं, वो कार्रवाई का समय और दिनांक तय करें। पूरा देश भारतीय सेना के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। तो इन्हीं सवालों और जवाबों के साथ हमारी आज की इस बहस की शुरुआत करेंगे और सीधे इस वक्त रुख करेंगे जयपुर स्टूडियो का, जहां से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रताप राव इस वक्त कुछ खास मेहमानों के साथ बड़ी बहस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जी प्रताप जी, धन्यवाद हेमंत। कल पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने हमला करके एक बार फिर बता दिया कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। लगातार आजादी के बाद से ही भारत तमाम कोशिश करता रहा है, समझाता रहा है, पुचकारता रहा है, प्रेम भी करता रहा है, सहायता भी करता रहा है, पाकिस्तान को बार बार समझाया है। 65 की लड़ाई में उसकी जमीन कब्जे में आने के बावजूद उसको दिया है 90,000, उसके सैनिकों के कब्जे में लेने के बावजूद उनको छोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद कुत्ते के पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है। पाकिस्तान नहीं मानने की हिमाकत कर रहा है, बार बार भारत को चुनौती दे रहा है, बार बार भारत के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा रहा है, भारत के स्वाभिमान को बार बार चुनौती दी जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सेना, सबसे ताकतवर सेना के सामने पिद्दी सा पाकिस्तान बार बार हिमाकत कर रहा है, जरूरत कर रहा है और उसे चैलेंज कर रहा है। लेकिन हमारी भी समस्याएं, हम लगातार आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की इस हिमाकत को सहे जा रहे हैं। लगातार हमारे सैनिक शहीद होते जा रहे हैं, लगातार हमारे नागरिक मारे जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को सबक सिखाने की स्थिति में हम आज तक नहीं आए हैं। लेकिन कल के हमले ने पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया है, पूरा देश उबाल है, खून खौल रहा है। आखिर में कब तक हम इस तरह के हमलों को सहते रहेंगे? कब तक हमारी माएं अपने कोख को इस तरह से उजड़ती देखती रहेंगी? कब तक हमारे बहनों के सिंदूर इस तरह से उजड़ते रहेंगे? ये सवाल है हमारे सब देशवासियों के सामने कि आखिर में इंतहा हो गई है इस तरह के अत्याचार की। इस अत्याचार को अब सहना भी एक गलत है और इस अत्याचार का जवाब देना बहुत जरूरी है। आखिर में क्या होना चाहिए इस अत्याचार का जवाब? सरकार ने, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि सेना को खुली छूट दे दी है। पूरा विपक्ष सहित सारा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, लेकिन आगे क्या होगा? आखिर में क्या होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को अब नेस्त नाबूद करने का समय आ गया है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो आज हम हमारी बहस में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं इस बहस में कर्नल नीरज मेहरा,
पूर्व सेना अधिकारी हैं जो कश्मीर में भी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। साथ में हैं कांग्रेस के नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ओपी यादव। कन्हे साहब आपसे ही, क्योंकि आपका ही तजुर्बा है, आपने ही इस आतंक को झेला है, कारगिल की लड़ाई भी आपने लड़ी है, आखिर में क्या ये पाकिस्तान मानने नहीं वाला, कैसे सुधरेगा? या मुझे लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि पड़ोसी को नहीं, अटल जी ये कहते थे कई बार कि देखिए आप मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। क्या आप समय नहीं आ गया इस पड़ोसी को पूरी तरह से खत्म करने का? क्योंकि पड़ोसी बदल तो नहीं सकते, उसको खत्म तो किया ही जा सकता है। धन्यवाद जी। देखिए पड़ोसी है लेकिन पड़ोसी भी बना बाद में है। जी जी। और जहां तक हमारी बात है, हम बहुत सह चुके हैं, अब टाइम आ गया है कि इसको खत्म करें, और शुरुआत हो चुकी है। मोस्ट फेवर नेशन का उसका स्टेटस खत्म किया गया है, उससे व्यापार खत्म कर रहे हैं। अब जरूरत है कि हम इसको एक टेररिस्ट नेशन, हाई कमिश्नर को भी वापस बुला लिया। जी हाँ जी, हम इसको इसको टेररिस्ट स्टेट घोषित करें, चाहे अमेरिका करे ना करे, हमें यूनिलैटरली कर देना चाहिए जी। और हमें उन लोगों को अपने साथ लेना चाहिए जैसे अमेरिका है, वर्ल्ड बैंक है, यूरोपियन यूनियन है, जो कि इनको उधार देते हैं कि इनको, इनके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएं, इनको कोई सहायता ना दी जाए, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, अपने घुटनों पे आ जाएंगे। इसके साथ ही सरकार जैसे बोल रही है कि फौज को उन्होंने आजादी दी है जी, फौज हमारी पूरी सक्षम है, उसमें ये काबिलियत है कि कोई ना कोई एक्शन लेगी, उसके लिए वो अपना सोच रहे होंगे, उनको हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ फौज को एक्शन लेना चाहिए, पॉलिटिकल विल है, बन गई है, और इसको इस बार छोड़ना नहीं चाहिए। हमने उड़ी देख लिया, हमने पठानकोट देख लिया, हमने अपने पार्लियामेंट में अटैक देख लिया, अब प्योर क्या देखना बाकी है? 44 जाने गई हैं उन बेकसूरों की जो देश की रक्षा में लगे हुए थे जी। तो और टाइम आ गया। अनस साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आमने सामने का एनकाउंटर होता या लड़ाई होती तब तो माना भी जा सकता था, ये तो कायराना हरकत थी, ये तो डरपोक लोगों की जो हिमाकत थी वो थी। जिस तरह से अश्वत्थामा ने पांडवों का महाभारत के युद्ध में वध किया सोते हुए अंधेरे में, बिल्कुल वैसी ही हरकत इस पाकिस्तानी कायरों ने की है कि एक बस में जा रहे हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो अपने गंतव्य पे जा रहे हैं, उनके हाथ में हथियार नहीं है, हाथ में हथियार दिए होते इन सैनिकों के तो वो क्या आतंकारी बच पाते, क्या पाकिस्तान इन 44 सैनिकों के आगे टिक पाता, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। कोई मतलब ही नहीं है, ये तो है ही कायराना हरकत, और एक गली से निकाल के गाड़ी उन्होंने ठोक दिया, आईडी से भरी हुई गाड़ी को, उसमें रिएक्शन टाइम भी नहीं रहता कुछ, महज 5-10 गज में आके उसने टक्कर मार दी है और उसमें टाइम नहीं मिलता है। तो ये वाकई एक बहुत ही कायराना हरकत है। इससे पहले भी एक जनरल साहब ने पाकिस्तान के एक स्टेटमेंट दिया था कुछ महीने पहले, मेगाजिन लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने जी, कि अभी बहुत जल्दी फियादीन हमले होंगे कश्मीर के, डिजाइन तो कर चुके थे, डिजाइन कर चुके थे जी, 350 या 250 या 300 जितना भी किलोग्राम इन्होंने आरडीएक्स या टीएनटी इकट्ठा किया है उसमें भी टाइम लगा होगा, उसमें भी सहायता मिली है पाकिस्तान की, और जैसे मोहम्मद ने बताया ही कि हमारा बंदा है जी। तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आप लोन वुल्फ अटैक कहके खत्म नहीं कर सकते जी। जो ये बार बार कह रहे हैं लोन वुल्फ का किसी से एसोसिएशन नहीं होता, वो अकेला जाकर मारकाट करता है जी। ये तो एक प्लानिंग के तहत एक बंदे को सुसाइड अटैक करने के लिए उन्होंने तैयार किया, उसको साधन दिए। एक महीने पहले मसूद अजहर का भाई खुले तौर पे कश्मीर में ये कहता है कि एक महीने में हमला करेंगे और इस तरह का बदला लेंगे और ये अटैक हो जाता है। इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए दुनिया को जी? स्वर्णिम जी, बड़ा एक आज राहुल जी ने कहा है कि सरकार और सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन इस देश में आवाज ये भी उठ रही है कि नहीं, हल तो जो है वो बातचीत से है। क्या लगता है कि पाकिस्तान बातचीत करने लायक भी रह गया है? बातचीत करने लायक तो क्या पड़ोस के लायक भी नहीं रह गया है? क्या लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत, किसी भी तरह का मेल मिलाप, कोई प्रेम की भाषा ही अब बहुत बड़ी बात हो जाएगी? देखिए प्रताप जी, जैसा कि राहुल जी ने कहा है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी है, सबसे पहले तो जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता जो इस वक्त, आज जो इस घड़ी में हम जो भी निर्णय सरकार लेगी, हम उसके साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, और जो भी निर्णय लिया जाए, क्योंकि अब ये राजनीति का वक्त नहीं है, देश गमगीन माहौल में है, किसी प्रकार की किसी की कमी या किसी बात को लेने का
अभी ये इस चीज का डिस्कशन का वक्त नहीं है, इस वक्त जो भी कदम उठाने उसका वक्त है, क्योंकि हमारे 40 से अधिक जवान जो है शहीद हुए, इनके बहुत बर्बरतापूर्ण कार्रवाई इनके साथ की गई है। तो अब कूटनीतिक निर्णय लेना है, आर्म फोर्सेस का निर्णय लेना है, जो भी निर्णय लेना है, वो निर्णय जो भी होगा उसमें देश का प्रत्येक नागरिक उस निर्णय के साथ होगा, सरकार के साथ है, सेना के साथ है, दुख की घड़ी में हम सभी शहीदों के साथ हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब चूंकि इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित रूप से सरकारी अमला जो होगा, सेना है, सब अपने अपने कुछ ना कुछ निर्णय लेने के लिए डिस्कशंस चल रहे होंगे जो सबके सामने नहीं आ सकते हैं। तो इस वक्त सबको यही सोच, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि ये जो बातचीत की बीच बीच में जो कुछ छुटर पुटर, जो पाकिस्तान प्रेरित लोग, जो पाकिस्तान से प्यार रखने वाले लोग अभी भी हमारे यहाँ जो कुछ चंद लोग बचे हुए हैं, वो बार बार कह रहे हैं ये कोई रास्ता नहीं है। यादव साहब, क्या होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का गुस्सा उमड़ रहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है और वो भी समझ रहे हैं, क्या लगता है, क्या किस तरह से इस रिटेलिएट करना चाहिए, किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित की गई है और हमारी पार्टी पूरी तरह से उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी में, और ये इस तरह की जो हरकत पाकिस्तान करता आ रहा है, काफी सहन हो चुका देश को, काफी सालों से ये प्रायोजित हो रहा है। 80 के दशक से आतंकवाद जब पैदा हुआ था, उसी वक्त यदि इसको कुचल दिया जाता तो आज ये हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती नहीं खड़ी होती। लेकिन आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ये सामरिक तैयारियां हैं, इनका मीडिया के अंदर या सार्वजनिक रूप से कोई बताया नहीं जाता है, और ये निश्चित रूप से तय मान करके चलिए कि पाकिस्तान का क्योंकि अंत नजदीक आ गया। जी जी कर्नल साहब, आपने तो बिल्कुल फील्ड में रहकर काम किया है, युद्ध लड़ा है, कारगिल की युद्ध, और कारगिल की जैसी लड़ाई तो मेरे ख्याल से दुनिया की एकदम सबसे कठिन लड़ाई मानी जाती है। तो सवाल यह है कि देखिए, घटना हो गई, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, सेना को फ्री हैंड दे दिया गया, पूरे देश में एक मांग है कि बदला बदला बदला, तो क्या तरीका हो सकता है बदला लेने का, क्योंकि लोगों के जहन में जो आग लगी हुई है, जो अपने उसके दिल में जो आग लगी हुई है, वो तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक पाकिस्तान से बदला नहीं मिले जाए। क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आप तो सैन्य अधिकारी रहे हैं, आपने तो खुद ने लड़ाई लड़ी है, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? देखिए, रिटेलिएशन में आप जैसे आपने एक तो उड़ीबे किया है जी, वो हो सकता है, उसके अलावा आप लिमिटेड ऑफेंसिव करके आगे की पोस्ट आप बताइए कि भाई इधर से एक एनिमी एक्ट होता है कि अगर आप किसी दुश्मन के आदमी को छिपाते हैं या अबेट करते हैं तो आप भी दुश्मन मानी जाएंगे जी। तो जो भी आदमी क्रॉस करके आता है और जिसकी मदद से आता है, सामने की पोस्टें हैं पाकिस्तान की, अगर वो मदद कर रही है तो उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए जी। ये तो इमीडिएट जो एक्शन है, उसके अलावा आर्मी क्या प्लान कर रही है मैं नहीं उसके बारे में बोल सकता हूं, लेकिन एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक बात और भी सोचने वाली है कि उनके कोई रिएक्शन नहीं आए जिन्होंने 2014 में आपको याद होगा एक के बाद एक पोस्ट को तोड़ती हुई एक मारुति गाड़ी चली गई जी। पहली पोस्ट को तोड़ दिया, दूसरी पोस्ट को तोड़ दिया, तीसरी पोस्ट वालों ने रोकने की कोशिश करी, कुछ गोलियां चलाई, उसमें कुछ बंदे मारे गए जी। इतना हल्ला मचा उसके ऊपर, इतना हल्ला मचा, वो लोग अशांत है, वो हल्ला मचा इतना कि एक सीनियर आदमी आर्मी ऑफिसर को पब्लिक अपॉलोजी देनी पड़ी जी। जो जवान उसमें इन्वॉल्व है आज जेल के अंदर बंद है जी। आप कह रहे हैं कि वो गाड़ी आई कैसे, उस हाँ। गाड़ी को रोकेंगे कैसे आप अगर इस टाइप की कार्रवाई होती रहेगी जी। आपने तो उस समय रोक लिया, तो अभी आदमी कहता भाई आने दो जी। मैं रोड को सेव करके रखूं, अंदर से चेक पोस्ट से कोई गाड़ी आ रही है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं मैं जेल भेज दूं। ये बड़ी समस्या नहीं है कि हम कश्मीर में आतंक से लड़ रहे हैं, बिल्कुल अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की करतूतों से लड़ रहे हैं, दूसरी ओर अपने यहाँ ही देश में ही कश्मीर में ही उनको सपोर्ट क्रिएट हो जाता है जब आर्मी हार्ड हैंडेड एक्टिविटी करती है, जब कार्रवाई करती है, पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करती है या कोई आतंकवादियों को मारती है,
तो बहुत हल्ला हो जाता है, मानवाधिकार की बातें खड़ी हो जाती हैं। जब एक मेजर अपनी जीप के आगे एक आतंकवादी को बिठाकर निकल जाता है तो उसके खिलाफ मानवाधिकार की मांगे उठने लगती हैं, उसको गुंडा तक कह दिया जाता है। क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण नहीं है आतंकवादियों को बढ़ावा देने के पीछे? देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी वहां प्रशासन है, जो भी सरकार है जी, वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार है जी। आप ये बताइए कि छोटी मात्रा में ये एमिनिशन और अब ये एक्सप्लोसिव नहीं आया, कैसे पहुंचा? ये 350 किलो जी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पुलिस इनको नहीं मालूम पड़ेगा जी। इनको सबको इन्फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन या तो वो कहीं खो गई है इन्फॉर्मेशन, या उन्होंने पास करना जरूरी नहीं समझा। ये भी लापरवाही है, ये लापरवाही है या अबेटमेंट है जी। ये अबेटमेंट ज्यादा मानूंगा मैं इसको जी, जी, जी। और गद्दारी है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके पूछा जाना चाहिए पुलिस हेड से, पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए यह हुआ कैसे। आपने सब चीज डाल दी भाई, सीआरपीएफ वालों ने ठीक से वो नहीं करी होगी, आरोपी नहीं की होगी जी। लेकिन वो आरोपी तो ठीक की थी उन्होंने, अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 1000 आदमी आने थे, 2500 क्यों आ गए? अब 6 दिन तक अगर रोड बंद है तो आदमी तो आएंगे छुट्टी काट के, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं पूछ रहा कि ये जब ये इकट्ठा हुआ तब सिविल पुलिस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या सो रही थी जी? लोकल नेता आ जाते छुड़ाने के लिए वहां पर, या लोकल लोग उसको प्रोटेक्शन देते हैं कि पत्थरबाजों को? बड़ा एक सवाल होता है, क्योंकि देखिए 44 जाने गई हैं, ये बहुत कीमती जाने, केवल 44 जाने जाने का सवाल नहीं है, ये देश की अस्मिता पर हमले का है मसला। बिल्कुल सही, मसला ये आता है कि आखिर में कहीं टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं हुआ है? क्योंकि एक बात बार बार आ रही है कि इतना बड़ा कॉन्वॉय क्यों था, एक दूसरी बात ये थी कि जब कॉन्वॉय जा रहा था तब पूरे उस क्षेत्र को आइसोलेट क्यों नहीं किया गया, किस तरह से प्राइवेट व्हीकल्स भी उसमें चल रहे थे, दो। तीसरी बात यह है कि आखिर में कैसे पता लगा कि कॉन्वॉय जा रहा है, कैसे सूचनाएं लीक हो गई, क्या ये सारे सवाल भी हैं? देखिए, जो आदमी वहां पर ग्राउंड पे है जी, जो डिसीजन ले रहा है कि इतना कॉन्वॉय चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, उसकी इंक्वायरी भी हो रही है जी जी। उन्होंने इंक्वायरी बैठा दी कि क्या इतनी गाड़ियां चलनी चाहिए थी जी, क्या आरोपी पूरी इफेक्टिव थी या नहीं जी। लेकिन यहां बैठे मैं ये कह सकता हूं कि 70 गाड़ी जानी है या 170 गाड़ियां जानी है, वहां लोकल कमांडर्स का डिसीजन लेता है हालात को देखते हुए। दूसरी बात है, आरोपी में कोई चूक नहीं, आरोपी जो है वो पूरे रास्ते को सैनिटाइज करती है, कहीं बीच में आईडी ना लगी हो, कहीं आसपास में फायर ना हो जाए जी। सड़क पे भी आईडी लग जाती है, सड़क के साइड में आपने कहीं पर बैग डाल दिया। यही तो बड़ा सवाल है कि जब इतनी सारी होती है उसके बावजूद एक एसयूवी आ जाती है और 200 किलो बारूद से भरकर और टकरा जाती है, ये बड़ा सवाल है आखिर में, ये हमारी अस्मिता पर पूरा पूरा हमला है, भारत इससे अब छोड़ेगा नहीं, ये तो भारत की अपनी निर्णय है। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर में ये क्या चूक हमारे लिए बहुत बड़ी है, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, अभी ले देंगे छोटा सा। चर्चा हो रही है कि आखिर में पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए, क्या किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे साथ बने हुए हैं कर्नल नीरज मेहरा, और साथ में है स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस के नेता, और साथ में है ओपी यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता। मेरा स्वर्णिम जी से सवाल है कि देखिए, हालांकि सरकार ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो पाकिस्तान से ले लिया है, जो उसे 30 साल से मोस्ट फेवर्ड नेशन बनाया हुआ था, हमने लगभग $2.5 बिलियन का उससे व्यापार था, और मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि हम हमारी यहाँ की चीजों को छोड़कर पाकिस्तान से सामान खरीदते थे, और क्योंकि टैक्स कम लगता था फेवर्ड नेशन होने के कारण, हमारे किसान हमारे उत्पादक पीछे हो जाते थे, पाकिस्तान का हम सामान खरीदते, हमने 30 साल तक उसे इस तरह से पाला, फिर भी वो आतंकी बाज नहीं आया, अब उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लिया गया है। स्वर्णिम जी, बड़ा सवाल होता है और भी कई तरह की, क्या और क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए इस पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो भी कुछ हो सकता है, सरकार को चाहे आर्मी ऑपरेशन हो चाहे कूटनीतिक निर्णय हो, ये सब करने चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है, अब ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने अपनी हद पार कर ली है,
पाप का घड़ा भर चुका है। अब पाकिस्तान से किसी प्रकार की क्या कहना चाहिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन की तो जो वापस लिया है सो लिया ही है, और भी जितनी पाबंदियां हो सकती हैं वो लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमला जो था ये हमला न केवल हमारे जवानों पर था, ये हमारे देश की अस्मिता पर था, हमारे देश की अखंडता पर था, हमारे देश को तोड़ने के लिए था। ऐसी किसी भी चीज करने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे वो कोई सा भी देश हो। और इस स्थिति में यदि पाकिस्तान है, कोई भी देश हो, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। आज हम सक्षम हैं, पाकिस्तान हो, कोई चाइना हो, बांग्लादेश हो, हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं या बड़े से बड़ा देश, हिंदुस्तान की अस्मिता पर, अखंडता पर, एकता पर हमला नहीं कर सकते। आज हम सक्षम हैं, और सक्षम है इसका लिए हमें अब जवाब देने का। यादव साहब क्या लगता है, और क्या क्योंकि सेना तो अपनी कार्रवाई करेगी, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि उन्हें फ्री हैंड दे दिया है, सेना अपनी रणनीति के अनुसार कार्रवाई करेगी, समय आने के साथ जवाब देगी, लेकिन केवल सेना के जवाब से नहीं, पाकिस्तान को और क्या करना चाहिए, क्या लगता है यादव साहब? सेना तो जवाब देगी साहब, वो तो बात ठीक है, लेकिन हम जरा अतीत में जाए ना, अतीत में तो, नहीं आज क्या नहीं, क्या अतीत, करना अतीत में जाना पड़ेगा साहब। आज हमारे देश का हिस्सा है जम्मू कश्मीर जी। जब संसद के अंदर बिल लाते हैं धारा 35 को हटाने के लिए, वहां पे सारे जो कश्मीरी पंडित तो वो पलायन कर गए पिछले 30 वर्षों में, कोई 18% 20% कश्मीरी पंडित थे, 2% बचे आज। तो हमें अतीत में तो जाना ही पड़ेगा, हम हकीकत की बात यहाँ पर्दे के ऊपर नहीं करके, हम इस स्क्रीन से हटके यदि बात करें तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस समय की जब परिस्थितियां थी उसी टाइम, ये मैंने पहले भी बोला कि जब ये जन्म ले रहा था ना आतंकवाद, ऐसा है यादव साहब, उसी वक्त आज आज की मेरी सुनिए, नहीं आज का एक्शन हो गया, सुनिए आज हम और क्या एक्शन ले सकते हैं। देखिए आप तो बार बार पुरानी बात, आज आज देश की एकता, देश एक साथ खड़ा है, देश की एकता के लिए यादव साहब मैं मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। देखिए ये तो बताया नहीं जाएगा, नहीं नहीं यादव साहब मैं जो फौज उतर रही है, कौन से रास्ते उतर रही है, यादव साहब ये तो आपको बताया नहीं जाएगा, आपको यादव साहब मैं कह रहा हूँ सबको पता है, आपसे ज्यादा पता है, आप जो बोलने जा रहे हैं वो आपसे ज्यादा पता है, दुनिया को पता है, देश को पता है, और व्यूअर्स को पता है। आप मेरे को बताइए, आप एक एग्जिट पार्टी के नेता के तौर पे आए हैं, आपकी सरकार है मैंने और क्या ना? और क्या एक्शन, देखिए एक एक एक्शन आ गया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लिया गया है, हाई कमिश्नर को भी वापस बुला लिया नहीं, गया ये, और क्या, क्योंकि विदेश मंत्रालय का काम होता है, वाणिज्य मंत्रालय का काम होता है, और भी तरह तरह के, तो और क्या, क्योंकि देखिए हम आज जनता को, हमारे व्यूअर को ये बताने के लिए, क्योंकि उनका जो आक्रोश है, उनके अंदर जो आग है, वो आग को एक दिशा देने के लिए हम बैठे हैं यहाँ, जो जनता को बताने वाली बातें हैं ना वो बताइए, तो आपके सभी चैनल्स पे चल रही है, वही बताइए, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह से होगा, कब होगा, कौन सी जगह पे होगा, तो ये चीजें मैंने बताया, सेना करेगी, ये सामरिक व्यवस्थाएं हैं, ये सरकार डिस्क्लोज नहीं करती है, ठीक है यादव साहब, ना सेना डिस्क्लोज, ठीक है, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं, नहीं हां कर्ण साहब आप बताइए, क्योंकि उनके पास ज्यादा जानकारी है, आर्मी एक्शन होगा अपने टाइम से, अपनी प्लेस पे चूजिंग पे होगा, डिप्लोमेटिक आपने बता दिया, उसके अलावा आइसोलेशन कर रहे हैं पाकिस्तान का, हमें इंटरनली भी कुछ करना चाहिए। हाँ ये बताइए, वो ये है कि कश्मीर में पहले इतने पंडित थे वो निकल गए जी। आज आप वहां पर एक इंच जमीन नहीं खरीद सकते, सुनिए जी, सुनिए आप बोलिए, एक इंच जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि कश्मीरी कहीं भी हिंदुस्तान में खरीद सकता है। आज अगर कश्मीरी लड़की एक पाकिस्तानी से शादी करती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में शादी करती है, वो बंदा ऑटोमेटिकली हिंदुस्तानी हो जाता है जी। एक लड़की इंडिया में किसी लड़की से, लड़के से शादी करती उसका है, अधिकार खत्म हो जाता, उसका सारे अधिकार खत्म हो जाते जी, जी। ये लॉ हटनी चाहिए, ये करना, ये आप जो है जिस तरीके से आपने आधा बॉर्डर सर में डालने का काम विपक्ष और जो सर आपकी सरकार है ना, कर्नल साहब को बोलने दीजिए, ये आपको डेमोग्राफिक चेंज करना पड़ेगा जिस तरीके से आपने बॉर्डर में एक सर्विसमैन बसाए हैं, अरुणाचल में बसाए हैं, हमारे यहाँ क्या लोकतंत्र है, क्या हम जब राज्यसभा में पास हो जाएगा तब माना जाएगा सर, क्या ये बिल को हम सोच नहीं सकते, हम आप सोचने को इस पे सबको साथ आना चाहिए, यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड टू लिसन टू दैट, सुनिए ना आप यादव साहब, तो डेमोग्राफिक बोल रहे इतना डेमोग्राफिक चेंज आना चाहिए, मेरा बोलने का विषय इसलिए हमें आप सुनिए, हमें परमिशन मिलनी चाहिए हर हिंदुस्तानी को कि वो चाहे तो कश्मीर में बस सकता है, जमीन ले सकता है,
पूरी सुरक्षा के साथ जी, एडिक्वेट सुरक्षा के साथ कश्मीरी विस्थापितों को वापस दे देना चाहिए। सीरियस एफर्ट होना चाहिए। एक सवाल ही होता है, निश्चित तौर पे 35A धारा 370 ये सारे हमारे जख्म हैं जी, हमारे सीने पर खंजर हैं, हमारे माथे पे खंजर हैं, निश्चित तौर पे ये एक हमारे हुक्मरानों से ये गलती हुई है। लेकिन उस गलती के बाद आज क्या नहीं लगता कि कम से कम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे कहते हैं पाक द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर, क्या आज ये हम इस रिटेलिएशन में उस पाकिस्तान ने जो अधिकार कर रखा है, जबरदस्ती कब्जे में कर रखा है, उसको वापस हम नहीं मिला सकते? आज हम क्यों नहीं कर सकते? भारतीय सेना सक्षम है। आज फॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जी, वो इस टाइप के डिसीजन लेने में सक्षम है और ले सकती है। तो क्या करना चाहिए? क्या लगता नहीं है कि देखिए जो इनपुट्स आ रहे हैं जी, इनपुट्स ये आ रहे हैं कि जो मसद जो अजहर मसूद है उसने अपना जो सेंटर है आतंकारी का, जैश ए मोहम्मद का जो सेंटर है वो पाक अधिकृत कश्मीर में बना रखा है। क्या हमें, हमारी ही जमीन है वो पाकिस्तान ने भले ही कब्जे में कर रखी है, हमारी ही जमीन से हमको ही बार बार जख्म दे रहा है, तो क्या लगता नहीं है कि अब ये मौका आ गया है कि अब खदेड़ देना चाहिए? मैं तो आपसे पहले कहा कि उड़ी टाइप या उससे बड़ी चीजें हो सकती है, और क्यों नहीं हो सकती? पॉलिटिकल विल है, आर्मी सक्षम है जी, ये किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी संभावना है, अगर मान लो ऐसे एक्शन लिया जाता है तो क्या संभावनाएं बन सकती है? हमको अगर ये एक्शन लेना है तो उसको रिटेलिएशन में क्या होगा, उसका वर्ल्ड में क्या प्रभाव होगा, उसको अलग रख देना चाहिए जी। अब डरने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं है कि हम अगर हमला करेंगे तो पाकिस्तान क्या करेगा, चाइना सेकंड फ्रंट खोल देगा, बांग्लादेश से शुरू हो जाएगा, अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, वो सब भूल जाइए। अगर करना है तो करना है जी, क्योंकि आज ये करो और मरो की स्थिति है हमारे ऊपर। यादव साहब, जिस तरह से कर्नल साहब कह रहे हैं कि अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्या ऐसी स्थितियां हैं कि हम, हमारी सेना इस तरह का बड़ा हार्ड हैंडेड एक्शन लेती है तो क्या हम अब दुनिया को अपने साथ खड़ा करके मजबूती से अपनी सेना के एक्शन को समर्थन दिला सकते हैं? देखिए, आज की जो परिस्थिति वो बिल्कुल अनुकूल है, कर्नल साहब की बात का मैं समर्थन करता हूँ जी। इस पे हमें ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, आर्मी अपना काम कर रही है, हमको यहाँ बैठ करके उसकी आलोचना प्रतिलोचना ये इसमें समय नहीं गंवाना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार पूरा एक्शन लेगी, और इस समय एक प्रधानमंत्री देश का बहुत मजबूत बैठा हुआ है, पहली बार देश में इस तरह का प्रधानमंत्री मिला है जिसके ऊपर पूरे देश को गर्व करना चाहिए, और वो जो कहते हैं वो होता है, और आप देखते जाइए अभी होता क्या क्या है। स्वर्णिम जी, आप देखते जाइए होता है क्या है। क्या प्रधानमंत्री कोई भी एक्शन, जो जिस तरह के उन्होंने एक विश्वास भी दिलाया, देश की जनता को विश्वास भी है, क्या लगता है कि जो भी एक्शन होगा, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ, क्या पूरे देश खड़ा होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे तो पूर्ण विश्वास है, और मैं, मुझे विश्वास के पूरे देशवासी खड़े ही हैं जी, आतंकवादियों के खिलाफ, चाहे हमारी धरती पे हो वो आतंकवादी, चाहे हमारी धरती के बाहर हो, किसी की भी धरती पे हो, जो भी आतंकवादी है, आतंकवादियों को पनाह देने वाला है, आतंकवादियों को सहायता देने वाला है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है, ऐसी कोई भी संस्था, देश, सरकार, उसके खिलाफ एक्शन जो भी होगा, जो भी सरकार, भारत सरकार निर्णय लेगी, उसके साथ देश का प्रत्येक नागरिक आज खड़ा है। नहीं, इसलिए सवाल इसलिए उठता है स्वर्णिम जी, देखिए वैसे आज का दिन नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि हम चर्चा करने बैठे हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसके ऊपर सवाल खड़े हुए थे और सबूत मांगे गए थे, तो क्या ऐसे सबूत अब कोई देश में नहीं मांगेगा? इस तरह के सवाल नहीं उठेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये गलत हुई है या हुई नहीं है, इस तरह की बातें उठेंगी क्या? नहीं, अगर उठती है तो मैं एक थोड़ा सजेशन देता हूँ। मैं क्या है, एक हाथ में आऊंगा आपके पास, बताता हूँ, ये सब बातें जो है आज करने का वक्त ही नहीं है। नहीं, इसलिए देखिए, सेना एक्शन, सुनिम जी, सुनिम जी सुनिए, मेरी 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 बात सुनिए, देखिए सेना एक्शन में आ चुकी है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एक्शन लेगी सेना, जो भी सेना, सेना कोई भी एक्शन ले सकती है, जो भी एक्शन लेगी सरकार। आप कांग्रेस पार्टी के, मैं यही आपको कह रहा हूँ, विपक्ष की ओर से स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई सवाल नहीं उठाएगी, बिल्कुल कोई सवाल नहीं है, हमने ये कहा कि किसी भी तरह की बहस में, किसी भी सरकार के एक्शन को लेकर के किसी भी बहस में हम नहीं पड़ेंगे, कोई वाद विवाद का विषय नहीं है,
केवल और केवल कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो निर्णय लिया है वो ये है कि हम सेना के साथ और सरकार के साथ हैं, वो उसके कारण है। डिप्लोमेटिक एक्शन सरकार को लेना है, जो भी सरकार लेगी, कूटनीतिक निर्णय जो होते हैं और देशों का समर्थन लेना है या सैंक्शंस लगानी है, किसी प्रकार के बैन लगाने हैं, और इसके अलावा तो देश में भी जो है आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए जो निर्णय सरकार लेती है, मतलब इंटरनल सेना के अलावा उनको लेकर के और सेना की कार्रवाई। आज आज जो सेना को लेकर बड़ा जबरदस्त एक पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि जिस तरह से उरी के बाद जो एक बहस का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज नहीं है, सब एक ही दिशा में, पूरा देश एक ही दिशा में, सारे दल एक ही दिशा में, सारे मुख्यमंत्रियों के भी जितने भी बयान आए उनके भी एक दिशा में। क्या है ये, एक बड़ा एक अच्छा एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जो पाकिस्तान के खिलाफ अब सेना को एक फर्म एक्शन लेने का एक माहौल बन चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेना को इतना मनोबल बढ़ जाता है कि अगर पूरी जनता हमेशा साथ रहती है जी, और अगर वो बोल भी दिया जाए तो उसे मनोबल बढ़ता ही है जी। अब एक दो आदमी हैं जिनको शक रहता है, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर इस टाइप की कोई कार्रवाई करते हैं तो साथ चले सेना, उनके खाने पीने एडमिनिस्ट्रेशन बंदोबस्त देख लेगी, खुद आके देख ले अपने जो भी एक्शन, यानी कि जिनको सबूत चाहिए वो साथ, जो सबूत चाहिए साथ चलिए, ऐसे ले जा सकते हैं क्या सब, ले जा सकते, पीछे ले जाएगा, छूट गए तो कोई उनके ऊपर, ये कर्नल साहब ने सही कहा जी, ऐसा नहीं है, अगर अगर साथ चला जाए, अगर सेना लेके गई है साथ तो लेके भी आएगी वापस जी। एक और कर्नल साहब, एक और विषय है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि कश्मीर में जो आतंक के खिलाफ लड़ाई चल रही है अब धीरे धीरे वो एक इलाके में ही सेंट्रलाइज होती जा रही है, कुल मिलाकर जो साउथ कश्मीर का जो इलाका है वही एक अब आतंक की फैक्ट्री बना हुआ है। देखिए मेयर फैक्ट जी कि ये अब ये फिदाइन हमले पे आ गए हैं, इससे पहले तो फाइटिंग होती थी, फायरिंग होती जी थी जी, ये भी बताइए, फिदाइन हमला ये डेस्परेट एक्ट है रिवाइव करने की जी जी जी, इसका मतलब मिलिटेंसी काफी हद तक काबू में आ गई अब है, लोग नहीं है इनके पास, अब लोग नहीं है, तो जो दो चार ये मोटिवेट कर रहे हैं जो ज्यादा आतंक नहीं फैला सकते जी जी, उनको वो ये फिदाइन हमले के लिए तैयार कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट खूब हो, आदमी एक ही जाया हो, इससे बहुत ही एक तरीके से मिलिटेंसी को नीचे देखने वाली बात है कि भाई नीचे आ गई मिलिटेंसी काफी हद तक। क्या लगता नहीं है कि देखिए मिलिटेंसी जो साइज में बहुत छोटी हो गई, मैंने मिलिटेंट की संख्या, क्योंकि अब मिलिटेंसी को ज्वाइन करने वाले लोग कम हो चुके हैं, एक तो बड़ी बात है, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि अब क्या ऐसा नहीं लगता कि जब वो सेंट्रलाइज हो गई है साउथ कश्मीर में तो अब पूरी तरह से साउथ कश्मीर पे ध्यान देके पूरी तरह से सफाया कर देना चाहिए, नागफनों को कुचल देना चाहिए, कोई मानवाधिकार की बात करने वालों को भी नहीं ध्यान देना चाहिए, और अब ये मौका आ गया है कि जो भी आतंक से अपना जुड़ाव रखता है उसके फन को ही कुचल दिया जाए, एब्सोल्युटली, उनको भी जैसे आप पत्थरबाज है उनको भी एनिमी माना जाए, जो उनके सपोर्ट ओवरग्राउंड कर रहे हैं उनको भी मिलिटेंट माना जाए और उनके ऊपर उसी तरीके से कार्रवाई की जाए जैसे मिलिटेंट ओपिन की जाती है, तभी ये काबू में आएंगे। मैं आपको विजुअल पे ध्यान देना चाहता हूँ, हमारे शहीदों के शव जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, राजस्थान के 5 जवान वो कल की इस घटना में शहीद हुए हैं, आखिर में 5 माओं ने अपने लाल खोए हैं, उन 5 के पवित्र शव आज अभी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, कल उनका संस्कार होगा, जयपुर एयरपोर्ट पे काफी बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे हुए हैं उनके सम्मान के लिए जी। तो ये देखिए आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये एयरपोर्ट पे ये शव पहुंचे हुए हैं, राजस्थान के 5 जो जाबाज हैं उन्होंने कल मातृभूमि के लिए अपनी शहादत दी है, ये उन 44 लोगों में शामिल थे जिन पर पाकिस्तानी आतंकवादी ने हमला किया है, आखिर में एक ऐसा गमगीन माहौल है, एक ऐसा माहौल है जो हमारा खून भी खौलाता है और साथ में हमें प्रेरणा भी देता है कि नहीं अब पाकिस्तान को खत्म करने का वक्त आ गया है, आखिर में कब तक हम सहते रहेंगे पाकिस्तान के इस जुल्म को, कब तक आतंकवादियों को इन आस्तीन के सांपों को हम पालते रहेंगे। कर्नल साहब चर्चा हो रही थी, कुल मिलाकर क्या ये एक ऐसा मौका नहीं है, देखिए माहौल है, अगर माहौल नहीं होता है तो तमाम तरह की बातें उठती हैं, तब मानवाधिकार की भी बात उठ जाती है, विपक्षी दल भी इधर उधर की बातें करने लगते हैं, अब पूरे देश में एक माहौल है कि कुचल दिया जाए आतंक को,
तो इस मौके का फायदा उठाते हुए पूरी तरह से कश्मीर से आतंक का सफाया करने का वक्त नहीं आ गया? देखिए, पूरा जोर तो लगा है आतंक को समाप्त करने का जी। उसके साथ जो आपने अभी डिस्कस किया है डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करना, रिपॉपुलेशन करना, जो अपना सैंक्शंस वगैरह लगवाने के लिए, उससे ही कमर टूट जाएगी। एफर्ट में कोई कमी नहीं, भिखारी हो चुका है पाकिस्तान, कटोरा लेके घूम रहा है। ह्यूमन राइट्स की बात है तो ये 44 बच्चे जो हमारे मरे हैं जिन्होंने शहादत दी है, क्या इनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? हम जरा सी बात होती है पत्थरबाजों के ऊपर, अगर रबर गुली चलती है किसी की आंख में लग जाती है तो मामला पता नहीं कहां तक पहुंच जाता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने फौज को पूरी छूट दे दी, छूट का मतलब ये नहीं कि आप मानव अधिकार का हनन करें, वो मतलब नहीं है, लेकिन कुछ एक्शंस आर्मी ले सकती है जो कि थोड़े से एक्सट्रीम में भी हो जाएंगे और जिससे काबू में आएगा, काबू में बहुत हद तक आ चुका है। द मेयर फैक्ट उन्होंने एक बंदे को इतना एमिनेशन दे के भेजा, दे तो 350 किलो से आप 350 ID बना सकते थे जी जी। लेकिन क्या उनके पास मैन पावर है? मैन पावर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। 350 डेटोनेटर भी चाहिए आपको, 350 आदमी प्लांट करने वाले भी चाहिए आपको, उसको डेटोनेट करने वाले भी चाहिए। इससे मालूम पड़ता है ये बहुत डेस्परेट एक्ट है। यानी कि कर्नल साहब, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मरते मरते वो बताने की जरूरत कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी जिंदा हैं, अभी हम हैं, क्या यही है ये घटना? बिल्कुल यही है यादव साहब, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालात है सब जानते हैं कि इमरान खान को अपनी भैंसें भी बेचनी पड़ी, अपनी गाड़ियां भी बेचनी पड़ी, पूरा का पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, भीख मांग रहा है कटोरा लेके, उसको अपने खर्चे चलाने के लिए चीन से उधार लेना पड़ा, चीन ने जब अपने पैसे जमा कराए उनके बैंक में तब तो वो खर्चा चला पड़े। ऐसे में आप पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में, क्योंकि सरकार के साथ खड़ा है पूरा देश, तमाम तरह के राजनीतिक विरोध के बावजूद, लेकिन पाकिस्तान के मसले पर आज पूरा देश एक साथ प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अब क्या पाकिस्तान को अलग थलग करके कुचलने का समय नहीं आ गया? आर्थिक रूप से जो कमर टूटी हुई है, ऐसे में क्या बड़ा एक्शन हो जाना चाहिए? देखो, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत कमजोर है और वो सक्षम नहीं है। उसको तो क्या है, कुछ मौका परस्त देश, जिससे चाइना जो है वो थोड़ा सपोर्ट करता है, इसलिए उसकी हिम्मत हो जाती है, वरना भारत की फौज के आगे पाकिस्तान 2 दिन लड़ाई नहीं लड़ सकता अगर पूरी तरह से युद्ध शुरू हो जाए तो। वो सफाया तय है उनका, लेकिन ये लोग क्या है कि मानते नहीं है। बार 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 इनको चेतावनी देने के बावजूद भी, लेकिन आज वो वक्त आ चुका है और उस पर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और जो भी समुचित कार्य, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की तैयारी चल रही है। सोनम जी, क्या चाहते हैं सरकार आखिर में क्या? क्योंकि बहुत शायद हम जब पैदा हुए हैं तब से ही पाकिस्तान की इन आतंकारी घटनाओं को सुन रहे हैं, जब से ही देख रहे हैं कि हमारे शहीदों की जो शवों को घरों पर आते हुए देख रहे हैं, जब से देख रहे हैं माओं की कोख को उजड़ते हुए देख रहे हैं रोज, शायद मेरे ख्याल से अपने जीवन का कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब कश्मीर में या पाकिस्तानी आतंकारियों ने देश में कहीं धमाके नहीं किए हो, या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की हो, या उन्होंने कोई जासूसी नहीं की हो। क्या ये वक्त आ गया है? क्या लगता है सरकार से क्या अपेक्षा? देखिए, बिल्कुल आतंकवाद की कमर टूटनी चाहिए, और जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवादियों को भेज रहे हैं, उनकी कमर टूटनी ही चाहिए। अब ये एक व्यक्तिगत रूप से मेरी भी राय है, और मैं एक आम हिंदुस्तानी की तरह, एक आम नागरिक, मैं भी लोगों के बीच उठता बैठता हूँ, आता जाता हूँ, मेरी राय तो है ही, और सारे हिंदुस्तान से जितने भी मेरे जानकार हैं, आज उनके मन में आज यही है कि अब वक्त जवाब देने का है। हमारे जो ये शहीद हुए हैं, हमारे साथी, हमारे देश के नागरिक, हमारे जवान जो ये शहीद हुए हैं, इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इनकी जान लेने वाले और इन पे हमला करने वाले जो भी लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये पता पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ, आप आर्मी और पुलिस और इनको तो छोड़िए, एक आम नागरिक की तरफ भी यदि कोई उंगली उठा करके आतंकवादी देखेगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। अब ये जवाब तो जाना ही चाहिए। यादव जी ने एक बात बोलते उठाए, उन्होंने कहा कि जो अब पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया,
और पाकिस्तान की जो सेना है भारत की सेना के सामने दो दिन भी नहीं टिक सकती, क्योंकि जिस तरह के रिटेलिएशन का मूड जो भारत की जनता में है, जिस तरह का आक्रोश भारत की जनता में है, वो तो ये है कि पाकिस्तान को नक्शे पर से मिटा दिया जाए, पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, सेना कोई बहुत बड़ा एक्शन लेती है, तो क्या ऐसी युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं, तो आज हमारी स्थिति पाकिस्तान के सामने कैसी है? हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, कोई शक की बात नहीं है। वी आर अ सुपीरियर फोर्स जी, मच सुपीरियर। हमारे में डेप्थ भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है जी, पैसा भी है, ताकत भी है जी, हम बीट कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर हमने अगर आज जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को जी, तो उन 44 शहीदों की आज और इससे पहले हुई गई जानों के बारे में जो जवाब सरकार को देना पड़ेगा जी, उनके रिश्तेदारों को, उनकी बिलखते बच्चों को देना पड़ेगा जवाब कि हमने क्या एक्शन लिया, हमारे घर वालों ने, हमारे पिता ने, हमारे भाई ने शहादत दी, आपने क्या किया। ये वक्त है तीन तरफ से एक्शन लेने का, जो आपने पहले बताया डिप्लोमेटिक है, मिलिट्री है, और साथ में जो हम इंटरनल रिवैम्पिंग की बात कर रहे हैं जी, जो पुलिस के पुलिस महकमे को ठीक करना, कश्मीर के अंदर जो तमाम तरीके की लॉ लगा रखी है आपने एंटी इंडिया, उसको निकालना चाहिए, आपको अलाउ करना चाहिए कि वहां के डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो, क्योंकि आज हमको जो खबर मिलती है पुलिस के थ्रू, वो सारे के सारे अगर एक ही फैमिली के लोग हैं तो आपको खबर नहीं देगा कोई, अनलेस डेमोग्राफिक पैटर्न ऐसा है कि आपको खबर मिल सके। उस पर भी सोचना चाहिए, उस पर भी सोचना चाहिए, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के सोचना चाहिए। Absolutely. बार बार ये उठती है कि डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, कश्मीर के नेचर को चेंज किया जा रहा है, बार बार ये उठती है, और हमने देख लिया है कि कश्मीर के डेमोग्राफी ही सबसे बड़ी कश्मीर का संकट है, आतंक का कारण ही उसकी वो डेमोग्राफी है, क्योंकि वहां एक रिलीजन आतंक को फैलाता है रिलीजन के नाम पर, जबकि इसी के कारण है, जबकि वहां के ज्यादातर जो लोग हैं वो आतंक को नहीं चाहते हैं, वो भले किसी भी धर्म के हों, लेकिन पाकिस्तान उनको प्रेरित करके रिजल्ट के नाम पर आतंक फैलाने की कोशिश करता है। क्या यही है कि कर्नल साहब जो कश्मीर की समस्या का मूल कारण, क्या ये डेमोग्राफी है? एक कारण है जी, कि जैसे आपने कहा एक ही रिलीजन के हैं, उनको लालच दे के या डरा धमका के जी, या आपस में रिश्तेदारी करके आप उनको प्रेरित कर लेते हो काम करने के जी। आज की देश में उनके उनके खिलाफ कोई नहीं है जी। चार पड़ोसी आपके खराब है, दो अच्छे हैं, तो कुछ बैलेंस बन जाता है। आज तो सारे के सारे वैसे ही हैं। मिलिटेंट जाता है, हमें क्यों नहीं मिलता मिलिटेंट? गांव में जाता, किस घर में घुस जाए पता ही नहीं चलता, कोई बताता ही नहीं जी। तो कुल मिलाकर जो सरकार को अब मल्टी एंगल कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन ये देश की जनता के सामने भी ये आंसू बहाकर शहीदों की चिताओं को ठंडा करने का वक्त नहीं है, ये खून खौलाने का वक्त है। ये ऐसा वक्त है जब देश की सेना के साथ हम खड़े होकर, देश की सरकार के साथ खड़े होकर, कोई भी पाकिस्तान को जवाब देने की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम हर कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल खड़े हों। तमाम तरह के संकट भी आ सकते हैं, तमाम तरह की मजबूरियां हो सकती हैं, तमाम परेशानियां उठानी पड़ सकती है देश के लोगों को, इस रिटेलिएशन में, इस जवाब में, हमारे शहीदों के खून का हिसाब लेने में हो सकता है कि देश के लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी उठानी पड़े, पर यह परेशानी भी मंजूर है यदि पाकिस्तान को नस्त नाबूद करना कायदी निर्णय होता है, पाकिस्तान के आतंक को खत्म करने का निर्णय होता है, तो निश्चित तौर पर देश की जनता हर वक्त इस फैसले के साथ तैयार खड़ी है। अब मैं आपको वापस ले चलता हूं हमारे दिल्ली स्टूडियो।